हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग आईटीआई पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह इस मैथ के क्रैश कोर्स का 20 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स का 19 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो जो लोग अभी तक इस सभी 19 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह 19 क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो है हम लोग जो है गुणनखंड के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे थे। 15 क्वेश्चंस जो है हमारे द्वारा पिछले क्लास में डिस्कशन किया गया था, तो आज का क्लास आपका जो है 16 नंबर क्लास से स्टार्ट होगा। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझेंगे। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो आज का 16 नंबर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। बोले क्वेश्चन को आप भी समझिए ध्यान से। बोला जा रहा है कि यदि एक्स माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 हो तो आपको जो है एक्स वाई का मान होगा, एक्स इंटू वाई का जो है मान आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इस बातों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको यहां जो है ये समझना है कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू आपको दिया गया है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का भी वैल्यू दिया गया है, और आपको निकालना है एक्स इंटू वाई का वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब आप इसे क्या करेंगे, हल करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल लेना है, ठीक है। तो जब आप एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आप सभी को पता होगा कि एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, है ना, टू एक्स वाई क्या होगा, माइनस टू एक्स वाई होगा। अब आपको सिंपली जो है यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पर एक्स माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ एक्स माइनस वाई का वैल्यू आपको दिया गया है 6। तो हम यहाँ पर जो है एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा और 6 का आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो गया इधर। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है यहाँ पर आप 30 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर आपको 30 दिया गया है। तो हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जगह पे क्या ले लेंगे, 30 लेंगे, ठीक है। 30 लेने के बाद ये माइनस है तो आप माइनस ले लीजिए, और टू एक्स वाई तो टू एक्स वाई आप सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप में आपको अब क्वेश्चन में आपको केवल सोल्यूशन करना है, बाकी आप तो सिस्टम आपका बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर ये जो आपका 30 है इसको आप जो है सेम टू सेम रहने दीजिए, या फिर आप जो है, चलिए इसको हम इस स्टेप में ऐसे ही लिख लेते हैं। चलिए ये आपका हो गया 30, ठीक है, ये 30 हो गया और माइनस टू एक्स वाई, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे, देखिए जो दाहिने साइड में माइनस टू एक्स वाई है इसको बाएं लाएंगे तो प्लस टू एक्स वाई होगा। फिर आप देख रहे हैं कि पहले से दाहिने में 30 है तो ये 30 रहेगा ही रहेगा, और ये प्लस 36 जो है दाहिने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 36, ठीक है, माइनस 36 यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर हम इधर आ जाते हैं और एक स्टेप और करने के बाद आपका आंसर जो है आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका टू एक्स वाई है बाएं में, बाएं में जो टू एक्स वाई है इसको हम सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेते हैं, टू एक्स वाई। फिर आप दाहिने में आप समझ सकते हैं 30 माइनस 36 करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 6, कितना मिलेगा, माइनस 6 मिलेगा। और तब आप क्या करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 तिया क्या होगा, 6 होगा। देन यहां पर आपको फाइनल आंसर मिल गया, क्या मिला, एक्स वाई बराबर माइनस 3, एक्स वाई बराबर माइनस 3 आपका क्या है, फाइनल आंसर है। डेट मीन्स यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, डिफरेंट क्वेश्चन है तो सीखने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे बातों को, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 6a और माइनस 1 बराबर 0 हो, आपको ये दे दिया गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का मान होगा, तब आपको ए स्क्वायर और प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो चलिए
हम क्या स्टेप करेंगे कि हम क्या करें, सिंपली जो है आंसर तक हमें क्या करना है, पहुंचना है। तो यहां पर आपको दिया क्या गया है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, नोट करेंगे, क्योंकि मैथ के अंदर जो दिया जाता है उसके मदद से ही हम आंसर तक क्या करते हैं, पहुंचते हैं। ये तो स्टेप हमको हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया है, दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 6 ए और -1 = 0 दिया गया है, ठीक है। अब एक स्टेप आप ध्यान देंगे और समझेंगे कि यहां पर आपको क्या करना है। देखिए ए से आपको क्या कर देना है, दोनों तरफ भाग दे देना है। किससे भाग देना है, तो ए से, ठीक है। ए से आपको बराबर के दाहिने भी और बराबर के बाएं भी आपको भाग दे देना है। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा यहां आप ध्यान से समझेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए से भाग दे देते हैं, तो देखिए ये बराबर है, बराबर के बाएं भी हम ए से भाग देंगे और बराबर के दाहिने भी ए से भाग देंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप ये नियम याद रखिएगा कि बराबर के दाहिने और बाएं आप किसी भी सेम संख्या से भाग दे सकते हैं दोनों तरफ, या फिर सेम संख्या से आप दोनों तरफ गुना भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये सिस्टम है। तो जब आप बाएं देंगे ए से भाग, तो सभी टर्म में ए से भाग लग जाएगा, तो यहां भी इसके बट्टा में भी ए आ जाएगा, इसके बट्टा में भी ए आ जाएगा, और यहाँ जीरो के बट्टा में भी आप ए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि जब आप ए से भाग करेंगे ए स्क्वायर को, तो यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब है कि आपका ए ही बचा ऊपर में, केवल ए बचा, और यहाँ तो आपका ए से पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देख पा रहे हैं, हल्का हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपका ये कलर दिखता नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर क्या बचा, आपको ए बचा, तो हम सिंपली यहाँ पर ए लिख लेंगे, और माइनस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बचा 6, क्या बचा, तो -6 बच रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। देन आगे आप देख सकते हैं कि जो आपका ये बराबर नहीं होगा -1/a, ठीक है, -1/a आपका यहाँ पर क्या है, तो आ रहा है। और दाहिने आप ध्यान से देखिए 0/a है, और आपको पता होना चाहिए कि 0 के नीचे आप कुछ भी लिख देंगे उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी भी चीज से भाग देने पर आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो दाहिने में तो आपका फिक्स हो गया कि क्या हो जाएगा, दाहिने में आप फिक्स कर लीजिए कि दाहिने आपको क्या, दाहिने में क्या मिला, आपको 0 मिला, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है वो आप ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां आप देख पा रहे हैं कि जो -6 है हम इसको दाहिने भेज देते हैं, तो आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। देखिए ए जो है वो आपको यहाँ पर आप ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस है तो -1/a लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1/a, -1/a लिखेंगे, और बराबर के दाहिने, देखिए 0 है तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, -6 को जब आप दाहिने ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है, +6 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है इसको आप जरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहां से आगे ही क्या है महत्वपूर्ण है, आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए हम इधर ही बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि एक साथ जब आप सब कुछ देखते हैं तो ज्यादा ही आप इंटरेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। यहां पर आप समझेंगे, ठीक है। ए -1/a = 6 तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब आपको क्या कर लेना है कि दोनों तरफ वर्ग कर लेना है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहां पर हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि इसको इंग्लिश में लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कहने का मतलब है कि आप जो आपका लास्ट स्टेप है आप इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दैट मीन्स आप इधर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और इधर भी स्क्वायर कर देंगे, मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको ए मानिए और 1/a को बी मानिए, ठीक है। तो जब आप इसको 1/a को जब आप क्या करते हैं, बी मानते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ए माइनस बी का जैसे ही आप होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होगा। तो अगले स्टेप में आप इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू यहां पर आपको 1/a है, ठीक है।
तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और नीचे एक का जब एक का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर। नीचे जो आप एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, और माइनस 2ab होता है। तो देखिए 2 और a का वैल्यू यहाँ पर आपको a दिया गया है और b का वैल्यू है 1/a, तो क्या होगा a से a आपका क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। तो आपको बचा क्या, तो 2 बचा, तो डेट मीन्स यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं माइनस 2। और बराबर के दाहिने साइड आप एक बार नजर डालेंगे तो 6 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 36, ठीक है, 36 यहाँ पर लिखेंगे। देन यहाँ पर आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है। अब आपको आंसर दिखने लगा होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब दाहिने में पहले से 36 है, ठीक है, और ये आप क्या करते हैं माइनस 2 को दाहिने भेजेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। माइनस 2 को जैसे ही आप दाहिने भेजेंगे तो प्लस 2 होगा। फिर आप देख सकते हैं कि आप आंसर तक पहुंच चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है, 1/a स्क्वायर। इससे क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि 36 2 क्या हो गया, 38 हो गया। एंड ये ही जो आपका क्या है फाइनल आंसर है, क्योंकि आपको ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू ही क्या करना था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ही वैल्यू आपको निकाल करके देना था। तो आंसर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या हो रहा है, सही आ रहा है। अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर डायरेक्ट जो है सही आ रहा है। इस तरह से देखिए आप एक दो स्टेप करते हैं, कुछ अलग करते हैं तो आप आंसर तक पहुंचेंगे। अब ये आप कैसे अपने पास रख पाएंगे, तो बाय प्रैक्टिस, जितना आप अधिक इसका प्रैक्टिस करते हैं उतना ही अधिक आप जो है इस चीजों को रख पाएंगे अपने अंदर, ठीक है। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे, जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। आज काफी डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए और सभी क्वेश्चन को सीखने का कोशिश कीजिएगा। जो लोग अभी तक जो है बेहतर तैयारी के लिए ITI हो, पॉलिटेक्निक हो या फिर पारामेडिकल हो, तीनों के अगर बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक जो है आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको बहुत सारा जो है आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको पता चलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो है वहां पर आपके स्टडी के लिए उपलब्ध है, जो आप खुद भी वहां क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ जो 18 नंबर क्वेश्चन है पहले उसको सीखिए, समझिए। पहले आपको दिया गया है x-1/x=0, तो आपको x+1/x का मान क्या करना है, बताना है, इसका मान क्या होगा यही आपको बताना, ठीक है। तो काफी यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर हम चलिए दिमाग लगाते हैं और आप लोग समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर किस स्टेप से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं कि जो आंसर आपको निकालना है वो कहाँ से निकलेगा, तो जो दिया गया है उसी के हेल्प से आपको आंसर निकालना है। तो एक स्टेप तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा आपको कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, x-1/x=0, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं x-1/x=0, ठीक है। अब देखिए आपको वैल्यू निकालना है x+1/x, तो अब क्या करें कि आपका काम जो है अच्छा से यहाँ पर हो जाए। तो देखिए हमें कुछ करना नहीं है, जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए अगर x-1/x का वैल्यू 0 है तो x-1/x के होल स्क्वायर का वैल्यू भी, इसके होल स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, ऐसे भी आप इसको सोच सकते हैं इस बातों को, कि देखिए दोनों तरफ आप वर्ग भी कर सकते हैं, इधर भी वर्ग कर दिया तो आपको यह मिलेगा और इधर 0 का वर्ग कीजिएगा तो 0 ही मिलेगा। तो अगर इसका वैल्यू 0 है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर लगा देने के बाद भी उसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए x-1/x है, इसका स्क्वायर करना है तो a-b का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, a यहाँ पर x है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेट मीन्स 1/x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। देन यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर अब आपको करना क्या है, और दाहिने में देखिए जो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ -2ab करेंगे, ठीक है, -2ab करेंगे, तो -2ab करेंगे तो देखिए -2a और
बी बार बार हम बता रहे हैं क्योंकि आपके लर्निंग पीरियड का टाइम है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, दो बच रहा है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा दो आंसर, कितना आएगा यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दो लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस दो आपका हो जाएगा और दाहिने में आप क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना करने से आप देख पा रहे हैं कि हम जो है लगभग लगभग आंसर के करीब पहुंचते जा रहे हैं, तो आंसर करीब पहुंचते जा रहे हैं। अब हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए ताकि हम आंसर तक क्या हो सके, पूरा का पूरा जो है हम पहुंच सके, तो आपको क्या करना है अगले स्टेप में उसको ध्यान से देखिए। देखिए हम क्या करते हैं, तो दाहिने और बाएं दोनों तरफ हम चार जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, चार जोड़ते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेप है बाएं बाएं कहने का मेरा मतलब होता है कि बराबर के बाएं, ठीक है, और दाहिने कहने का मतलब है बराबर के दाहिने, ठीक है। ये RHS बोलते हैं इसको, LHS बोलते हैं, तो LHS और RHS दोनों में हम चार जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप चार जोड़िएगा तो आपको स्टेप कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, चार जोड़ रहे हैं, तो चार जोड़ने के बाद आपको कुछ इस टाइप का स्टेप मिलेगा जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर और माइनस टू पहले से है, तो हम इसमें चार जोड़ लेते हैं, और फिर दाहिने तरफ आपके पास जीरो है तो उसमें चार जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, आपको चार मिलेगा। अब इसके इसमें चार जोड़ने से हमें फायदा क्या मिलेगा, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका एक्स स्क्वायर है वो सेम टू सेम लिख लीजिए, फिर आपका वन बाय एक्स स्क्वायर है उसको भी लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जब आप माइनस दो और प्लस चार करेंगे तो बचेगा आपको प्लस दो, और दाहिने में चार है तो उसको सेम टू सेम चार रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक बात आप गौर से यहाँ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए भी आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, प्लस टू ए भी, क्योंकि देखिए ये जो है इसको आप ए स्क्वायर मान सकते हैं, ए स्क्वायर डेट मीन एक्स स्क्वायर है, समझ सकते हैं आप बातों को, ये है बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस प्लस टू ए और बी, तो ये एक्स से एक्स क्या होगा, घटेगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इस बार आपका प्लस टू आ रहा है, डेट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आप ये कह सकते हैं कि यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर तो आपका एक्स के फॉर्म में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स का हम क्या कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और दाहिने में क्या है, चार है, दाहिने में चार है तो इसको आप चार रखने देंगे, ठीक है। जो लोग इस स्टेप को नहीं समझ पाए वो आप ये समझिए कि देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर आ रहा है और प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, और दाहिने में चार है तो चार। अब आप देख सकते हैं कि आप आंसर तक पहुंच चुके हैं, देखिए एक्स प्लस वन बाय एक्स आप इधर रहने दीजिए, एक्स प्लस वन बाय एक्स, और दाहिने में देखिए आप जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप रूट लगा दीजिए तो ये हो जाएगा रूट चार, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता चल गया होगा कि आंसर आखिर क्या होने वाला है, वन बाय एक्स ये ले लेंगे, और रूट चार का वैल्यू आप सभी को याद होगा कितना होता है, तो दो होता है, डेट मीन्स यहाँ पर आपका दो क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, और दो फाइनल आंसर होगा तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपका यहाँ जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये उससे भी अलग है, और इसमें कुछ अलग टाइप का कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी हम जो है यहाँ पर कुछ अलग यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, तो देखते रहिए लास्ट तक, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन है, अभी तक जितना आपने क्वेश्चन किया सबसे डिफरेंट है, ठीक है, सेट जो भी हो या फिर आपका जो टाइप हो अलग, बट यहाँ पर कंसेप्ट आपको क्या करना होगा, अलग लगाना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया x प्लस वन बाय एक्स बराबर दो दिया गया है, और यहाँ पर आपको x का पावर चार प्लस वन बाय एक्स का पावर चार का मान आपको बताना है। तो चलिए कोई बड़ी सी बातें नहीं है, तो हम इसको सिंपली जो है सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी पहले दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो जब आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है x प्लस वन बाय एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स दिया गया है, बराबर में है दो,
ये आपको दिया गया है। तो हम फर्स्ट जो स्टेप करेंगे वो करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दैट मीन्स दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपका क्या होगा, कंसेप्ट बन जाएगा। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे, तो ये हो गया इसका वर्ग और इस दो का भी वर्ग हो जाएगा। देन आप यहाँ पर एक बात तो समझ गए होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगने जा रहा है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और नीचे में जब आप एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर 2ab होगा, तो आप यहाँ पर जो है 2ab में क्या होगा, ये x x तो कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। और दाहिने में आपको क्या मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो आपका ये 2 है इसको हम क्या करेंगे, दाहिने भेजेंगे। तो जब आप दाहिने भेजेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और बराबर में आपका क्या है, 4 है। ठीक है, और 4 ये प्लस 2 दाहिने जाएगा तो क्या होगा, माइनस 2 होगा। तब आप यहाँ पर एक स्टेप और आपको करना होगा, इसके बाद आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है इसको क्या करते हैं, बाएं में आपको क्या है, तो बाएं में आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और बराबर जब आप क्या करेंगे, 4 से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 2 मिलेगा। तो ये आपका यहाँ तक आप पहुंचे, लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि x का पावर 4 है और हमें अभी तक मिल पाया है x का पावर 2 ही। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो इस बातों को समझिए, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, जब आप इसे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो अब आपको क्या करना है, फिर से एक बार क्या करना है, दोनों तरफ आपको वर्ग करना है। फिर से आपको दोनों तरफ एक बार फिर क्या करना है, वर्ग करना है। तो इस स्टेप में आकर के हम फिर वही काम करेंगे, इस बार भी दोनों तरफ जो है हम वर्ग कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका क्या कीजिए, फिर से आप इसको वर्ग कीजिए। ठीक है, तो फिर से वर्ग करेंगे तो बाएं भी वर्ग हो जाएगा, दाहिने भी आपका वर्ग होगा, तब आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए, इसको जब आप वर्ग करेंगे तो फिर से आपको वही स्टेप मिलेगा, इसको ए मानिए और ये प्लस आप इसको बी मानिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर होगा, डेट मीन्स एक्स का जब स्क्वायर करेंगे आप तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा। क्या होगा, एक्स का पावर 4 होगा और प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और प्लस बी स्क्वायर होता है तो एक का स्क्वायर तो आपका ऊपर एक ही होगा, और एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का पावर फिर से यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। और फिर क्या होता है, तो प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2ab से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। और दाहिने में जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आपको 4 मिलेगा। ठीक है, 4 मिलने के बाद अब आप आंसर तक पहुंच सकते। देखिए, आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स का पावर 4 है, तो एक्स का पावर 4 आप यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस 1/x का पावर 4, तो ये भी आप लिख लेंगे, 1/x का पावर 4 आप लिख सकते हैं। फिर जब आप ये आपका दाहिने में 4 है और ये प्लस 2 जाएगा तो क्या होगा, माइनस 2 होगा, और आप इसको क्या कर सकते हैं, x का पावर 4 और प्लस 1/x का पावर 4 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये x का पावर 4 होगा और 1/x का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4। और दाहिने में आप देख सकते हैं कि जब 4 में से 2 आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, एंड 2 आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन इससे भी खास है, सिंपल है बट आपको जान लेना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है 8 - 6x + x² के गुणनखंड है, इसका गुणनखंड आपको निकालना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पर हम इसको फास्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो है 8 - 6x + x². ठीक है, तो ये पावर के बढ़ते क्रम में है, तो अच्छी बात है, पावर के बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका ये 8 है उसको आप 8 रहने दीजिए, फिर आप देख सकते हैं कि 8 का क्या होगा, तो 4 का होगा, तो आप उस पर जो है मत जाइए। देखिए, जो आपको 6x है यहाँ पे, 6x जो भी आपको यहाँ पर गिवन है, आप समझ सकते हैं कि इसको हम -4x और +2x के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -4x, ठीक है, और प्लस -2x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -2x। तो आप देख सकते हैं कि -4 और -2, फिर से -6 हो जाएगा, और फिर स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको सेम टू सेम यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर इस दोनों का एक जोड़ा होगा, इस दोनों का एक जोड़ा होगा। अब दोनों में से आप क्या कीजिए, तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जब आप कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार से यहाँ दोनों में क्या है, भाग लग रहा है, तो चार आप कॉमन ले लीजिए। तो चार से जब आप आठ में भाग करेंगे तो क्या होगा, दो होगा, और ये चार से ये चार कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो यहाँ पर आप एक्स ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कॉमन क्या लेना है, तो यहाँ पर आप ले लीजिए माइनस एक्स कॉमन, ठीक है। माइनस एक्स जब आप कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स तो एक्स से कैंसिल होगा, क्या बचेगा, माइनस को जब आप माइनस से भाग करेंगे तो प्लस, और ये दो हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो दो, और जब आप माइनस से माइनस प्लस को भाग करेंगे तो माइनस होगा, और जब आप एक्स से एक्स स्क्वायर को भाग करते हैं तो क्या मिलेगा, आपको एक्स मिलेगा। और आपका आंसर आ गया, देख सकते हैं, देखिए दोनों आपका जो कोस्ट है सेम है, उसमें से कोई एक ले लीजिए, तो क्या है, दो माइनस एक्स आप ले सकते हैं एक, और ये देखिए बाहर में चार है और माइनस एक्स है, तो उसको भी एक बॉक्स में ले लीजिए। तो चार माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, एक्स दो माइनस एक्स और चार माइनस एक्स, तो दो माइनस एक्स और चार माइनस सॉरी चार माइनस एक्स जो है आपका, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है आपका, देख सकते हैं कि ए ऑप्शन, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि देख सकते हैं कि दो माइनस एक्स है और इनटू में चार माइनस एक्स है। तो ये देखिए आपके आंसर में यहाँ आ रहा है दो माइनस एक्स इधर और ये दाहिने जा रहा है, तो इससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है, तो बीच में गुना है, ठीक है। और आप ये समझिए कि पांच गुने दो कीजिएगा फिर भी दस मिलेगा, ठीक है, या दो गुने पांच कीजिएगा फिर भी आपको दस मिलेगा, तो गुना में ये सिस्टम चलता है। आप इस तरह से सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका सेम टू सेम ऐसा नहीं मिला तो आप घबरा जाएंगे, हम भी इसको उस तरह से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, आप ये समझेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, काफी जो है यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, बस माइंड टेस्ट क्वेश्चन है ये, कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि देखिए दिया क्या गया है, चार एक्स स्क्वायर फिर प्लस है, फिर आपको यहाँ पर डॉट डॉट डेट मीन्स खाली स्थान दिया गया है, और प्लस में आपको दिया गया है नौ वाई स्क्वायर, ठीक है। आप सभी जानते होंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पर देखिए ये आप जो चार एक्स स्क्वायर है, चार एक्स स्क्वायर जो है इसको आप लिख सकते हैं दो एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, दो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आप ये प्लस ले लीजिए और देखिए यहाँ पर जो नौ वाई स्क्वायर है इसको आप तीन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम बनता है हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ए स्क्वायर, तो आप एक दो एक्स को मान सकते हैं, दो एक्स आपका क्या है ए है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, तो देख सकते हैं कि बी का वैल्यू तीन वाई है, तो ये बी आप इसको मान सकते हैं। तो और ये देखिए बीच में क्या होता है, तो टू ए बी होता है, तो टू इन टू ए, ए का वैल्यू आप कितना मान रहे हैं, तो दो एक्स मान रहे हैं, तो यहाँ पर ले लेंगे दो एक्स, और गुने बी का वैल्यू तीन वाई ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप ले लेंगे तीन वाई। अब आप इसको गुना कर लीजिए तो क्या होगा, दो दूना चार, चार होगा, और चार तो क्या होगा बारह होगा, बारह को एक्स वाई से गुना करेंगे तो बारह एक्स वाई आपका क्या होगा फाइनल, यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। तो बारह एक्स वाई फाइनल आंसर होगा यहाँ पर, जो डॉट डॉट जो खाली स्थान है वो क्या होगा यहाँ पर, तो बारह एक्स वाई होगा। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बारह एक्स वाई, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, रफली जो है बना सकते हैं। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे, जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है इसको भी देखते हैं, कुछ उस टाइप का ही क्वेश्चन है, बट दिमाग लगाना है। 9 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर में क्या जोड़े की प्राप्त व्यंजक पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, डेट मीन्स आप जो ए प्लस बी, अगर आप इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, दिया जो गया है वो आपको दिया गया है नौ ए स्क्वायर, नौ ए स्क्वायर दिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं तीन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में दिया गया है पच्चीस बी स्क्वायर, तो पांच बी का इसको आप लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। तो
ये तो दो स्टेप आप पूरा कर रहे हैं और प्लस टू ए भी होगा, तो यहाँ पर आप लीजिए प्लस और टू तो टू होगा, ए का वैल्यू आपके पास तीन ए है तो तीन ए आप यहाँ लिख लेंगे और गुने बी, बी का वैल्यू पांच बी है तो हम यहाँ पर पांच बी क्या करेंगे लिख लेंगे। इसके बाद आपका क्या होगा देख सकते हैं कि द्वितीय क्या होगा छह, छह पंचे कितना होगा तीस और ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी यानी कि तीस ए बी यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा तीस ए बी, तीस ए बी डेट मीन्स अगर ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग जो है बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए।